सभी लोग का स्वागत है आज के मेरे नए YouTube ट्यूटोरियल में। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि एक वाटर कलर ट्री की वीडियो बनाऊं। ट्री की वीडियो तो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप, जैसे कि नेचुरल ट्रीज एंड अननेचुरल ट्रीज। सो आज मैं आप लोग को ट्रीज़ बना के दिखाऊंगा वाटर कलर में। बट उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग को मैं सिखा रहा हूँ तो सिंपल सी बात है कि मैं आप लोग को पहले ड्राइंग करके दिखाऊंगा। अगर शायद वो चीज़ मैं अपने लिए कर रहा होता तो वो मैं डायरेक्टली ब्रश के थ्रू ट्री बना सकता था। तो अभी जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ट्री की ड्राइंग के लिए, 0.9 नंबर की लेड पेंसिल है, और ये एक मेरे पास चाइनीज़ बैम्बू ब्रश है जिसके थ्रू मैं आप लोग को ट्री बना के दिखाऊंगा। और जो आज मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ ये चित्रपट पेपर है 270 GSM, और पास में ही कलर पैलेट है जिसमें डिफरेंट टाइप के शेड्स हैं। वो तो जब मैं काम करूँगा तो आपको कलर्स के बारे में भी आप लोग को एक्सप्लेन करता चलूँगा। सो ठीक है, आज की ड्राइंग में स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहूँगा। सो स्टार्ट करते हैं फिर। और देखिए सबसे पहली चीज़ तो अगर किसी को कोई दिक्कत होती है ट्री की ड्राइंग में, तो वो इंटरनेट की हेल्प से भी ट्री के मतलब रेफरेंसेस ले सकता है ड्रॉ करने के लिए। अगर आपको पता है कि कैसे ट्रीज होते हैं तो आप अपनी मेमोरी से भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बताऊँगा, और एटलीस्ट आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ओके। और मेरा ऐसे इंस्टाग्राम पे एक पेज है सैंकी आर्ट करके, SHNKYART। तो अगर आप लोग कोई भी वर्क करते हो प्रैक्टिस वर्क, तो मेरे को आप वहाँ पे अपनी स्टोरी पे टैग कर सकते हो। तो नॉर्मली अभी एक ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, और कोई जो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक ट्री की ड्राइंग नहीं करते हैं, बस आपको आउटलाइनिंग क्रिएट करनी है जिस तरीके से आपको एक फील लेना है ट्री में। आप पेपर में ग्रेन्स देख सकते हो, थोड़ा रफ पेपर है बट काफ़ी अच्छा है। जैसा भी आपको ट्री बनाना है आप उस तरीके से नॉर्मली एक फील देखो आ रहा है ना, आउटर लाइन मैंने क्रिएट करी है। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अभी जैसे कि नेचुरल कलर्स मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, जैसे कि आपका गैम्बोज ह्यू, सेकेंड कलर होगा आपका लाइट ग्रीन, एंड थर्ड कलर आपका होगा सैप ग्रीन। और ग्रीन को डार्क करने के लिए मैं अल्ट्रा मरीन ब्लू यूज़ करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को उस चीज़ के बारे में भी एक्सप्लेन करता हूँ, तो कैसे स्टार्ट करेंगे। जब भी आप ट्री बना रहे हो तो सबसे पहले एक ध्यान ये चीज़ रखनी है कि एटलीस्ट पहले फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा वाटर ज़्यादा लेना है, क्योंकि क्या होगा कि आप पहले स्टार्ट में वाटर कम यूज़ करोगे तो वो पेपर ड्राई जल्दी हो जाएगा, यानी कलर बड़ी जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा ज़्यादा वाटर लीजिए स्टार्टिंग में। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि लाइट किस तरीके से आपको शो करनी है ट्री में, क्योंकि अगर जैसे मैं ऊपर से लाइट दूंगा तो धीरे करके एक ग्रेडिएशन आना चाहिए, ऐसा ना हो कि ट्री एकदम फ्लैट हो जाए। तो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। और अभी मेरे पास ये चाइनीज़ बैम्बू ब्रश है, ये मेरा फेवरेट ब्रश भी है। तो अभी नॉर्मल मैं मिक्स कर रहा हूँ गैम्बोज ह्यू। अगर आपके पास कोई गैम्बोज ह्यू शेड नहीं है तो आप चाहो तो इसकी जगह पे इसका अल्टरनेटिव लेमन येलो भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज गैम्बोज ह्यू शेड, और अभी इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ट्राई ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा खासकर लैंडस्केप पेंटिंग में। लोग लैंडस्केप की बात तो करते हैं लेकिन उसका बेसिक चीज़ तो जानते ही नहीं, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे काम करना। तो वही एक ये बेसिक पार्ट है कि अगर आपको काम करना है तो आप एटलीस्ट ट्री से स्टार्ट कर सकते हो। और मेरे चैनल पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स दे रखे हैं वाटर कलर के, तो अगर आपको लर्न करना है तो वहाँ से भी आप देख सकते हो चीज़ों को। तो भी देखिए मैं कैसे स्ट्रोक्स अप्लाई कर रहा हूँ, किस तरीके से आप सभी को दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने पूरा एकदम फ्लैट नहीं किया है। कुछ ऐसा लग रहा होगा स्ट्रोक कुछ बाहर की हो रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि एक जॉइंट वाला फील आ रहा है। इन सभी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। हल्का जैसे आप अगर आपको जहाँ जहाँ पे लाइट इफेक्ट दिखाना है तो आप वहाँ पे हल्का सा येलो शेड अप्लाई कर सकते हो, और साथ में ही आप अब देखो एक चीज़ वही है कि लाइट ग्रीन अगर शेड आपके पास नहीं है तो आप सैप ग्रीन एंड गैम्बोज को मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास लाइट ग्रीन शेड नहीं है तो आप गैम्बोज ह्यू एंड सैप ग्रीन को मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। एक प्रॉपर ग्रेडिएशन आना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो बहुत ही टैप टैप करके, मतलब कि जैसे लगता है कि ड्राई हो गया, फिर उसके ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। कोशिश करो, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, देखो सब बिगनर हैं, बहुत सारे ऐसे भी बिगनर को नहीं पता होता है, लेकिन अभी जैसे कि आज की वीडियो के बाद आपको एक तरीका मालूम चल जाएगा कि कैसे हम पेंटिंग करते हैं, किस तरीके से हम वाटर कलर ट्री बनाते हैं।
तो अभी आप देख सकते हैं किस वे में कैसे कैसे मैं स्ट्रोक अप्लाई कर रहा हूँ और एक बार में काम खत्म करूँगा, ऐसा नहीं कि ड्राई होने का वेट करूँगा। स्ट्रोक्स बहुत मैटर करते हैं, किस तरीके से आप स्ट्रोक लगा रहे हो। ऐसे भी स्प्रेड कर सकते हो, इसका भी अपना एक फील आता है। देख किस तरीके से बहुत ही स्मूथली उस चीज को पेशेंस बनाकर, जल्दबाजी नहीं करनी, पेशेंस बना के रखना है, ठीक है। देखो मैं आपको आपके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। देखो पहली चीज, जब भी कोई एक आर्टिस्ट जब एक क्लास देता है तो वो स्टूडेंट्स के हिसाब से पढ़ाता है, ना कि अपने हिसाब से। अपने हिसाब से करना होता मैं अभी तक ट्री को कंप्लीट कर चुका होता, लेकिन अभी स्टार्टिंग जब आप बिगनर होते हो थोड़ा पेशेंस लेना जरूरी होता है, थोड़ा पेशेंस बनाना अपने अंदर, ठीक है, वो बहुत जरूरी होता है। लोग बोल देते हैं कि अरे आप तो बहुत देर तक काम करते हो। बात देर तक काम करने की बात डिपेंड करता है कि हम जिसको सिखा रहे हैं उसके हिसाब से काम करना, अपने हिसाब से वर्क नहीं करना है, ओके। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो अभी जैसे कि मैंने गैम्बोजियम मिक्स किया, एक प्रॉपर कितना अच्छा फ्रेशनेस आ रही ना कलर में, क्योंकि मैंने कलर को उस तरीके से यूज़ किया है। लोग बोलते हैं सर कलर फ्रेश नहीं हो रहे हैं, टाइम लगता है चीज़ों में, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। सो नाउ आई एम यूजिंग सैप ग्रीन। कितना एक ब्यूटीफुल फील आ रहा है, बीच बीच में इस तरीके से स्प्रेड कर दो। और जो ये वीडियो है प्लीज आपने जो भी जो इंटरेस्ट रखते हैं आर्ट में अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा। बस ऐसे इस तरीके से देखो कितना इंटरेस्टिंग फील आ रहा है एक नेचुरल ट्री का। जो बाहर की मैं बना रहा हूँ ये हल्के हल्के ये डॉट डॉट, ये एक्चुअल में रियलिस्टिक पार्ट ऐड कर रहे हैं ट्री में, एक डेप्थ क्रिएट हो रही है, आप ये बोल सकते हो। जो ट्री ट्रंक्स हैं मैं इसी ग्रीन शेड से बना रहा हूँ, इसके लिए मैं कोई एक्स्ट्रा कलर यूज़ नहीं करूँगा, ग्रीन एंड ब्लू से बनाऊँगा। बट अभी थोड़ा सा मैं इसको हल्का शेप दे देता हूँ, और अभी इसी ग्रीन में सैप ग्रीन में अल्ट्रा मरीन ब्लू ऐड कर देता हूँ। अपने यहाँ देखो डार्क करने से अपने आप में एक डेप्थ आ जाती है। एक इफेक्ट, ये सिंपल सा ट्री है जो बिगनर है वाटर कलर में एटलीस्ट वो इससे स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, चलते हैं मेरे ऑनलाइन वाटर कलर के कोर्सेज चलते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगी, क्योंकि ये तो भी एक डेमो का पार्ट है। उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या चीज़ यूज़ करो, टूल्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या पेपर, मतलब हर चीज़ के बारे में आपको थ्योरी पार्ट भी कवर होगा, बहुत सारी चीज़ें वो जब आप ज्वाइन करेंगे मैं आपको बताऊँगा। तो अगर जैसे आप लोग को अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है मेरी वाटर कलर की भी होती हैं, स्केचिंग की भी होती हैं, अगर आपको लगता है ज्वाइन करना तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख सकते हो 9558098989, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो किसी को अगर इंक्वायरी लेनी है तो वो ले सकता है। सो अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से डेप्थ क्रिएट हो रही है, और एक अच्छा आर्टिस्ट वही है जो कम टाइम में एक अच्छा फील ला सके। मैं आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, स्टूडेंट को टाइम लगता है काम करने में, लेकिन फिर भी एक आर्टिस्ट और एक स्टूडेंट्स का कनेक्शन होता है, एक टीचर एक स्टूडेंट कनेक्शन होता है, एक टीचर अपने स्टूडेंट से ही है, ओके। तो डिपेंड करता है सिखा कैसे रहा है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इस तरीके भी आप स्प्रेड कर सकते हो, लेकिन जब हेयर में आपके वाटर होगा तभी तो आप इस तरीके से फील ला पाओगे। ब्लू एंड ग्रीन से इसकी ट्री ट्रंक्स आप इजिली बना सकते हो। अब देखो पूरा एक ही ब्रश से काम हो गया, ऐसा नहीं मैं डिफरेंट टाइप के ब्रशेस यूज करे, एक ही से पूरा ये फील आ गया। अब इफेक्ट देख सकते हो किस तरीके से, सभी को समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं। और देखो मैं बहुत सारे लोगों को लेकर ट्री बनाते हैं, लेकिन शेप बहुत मैटर करता है ट्री में,
शेप्स बहुत मैटर करता है ट्री में। लोग ट्री बना तो देते हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, लगता है कि शेप थोड़ा अजीब लगता है देखने, उसका भी बहुत आपको ध्यान रखना है। वो देखो एक बार चीज़ नहीं आएगी, टाइम लगेगा उस चीज़ में, ऐसा नहीं है, बट प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करने में क्या है, कुछ यहाँ पे हल्के लिए लीफ दिखा सकते हो, जिस तरीके से मैं लीफ बना रहा हूँ ये बहुत मैटर करता है, किस तरीके से आप लीफ, ये समझो ट्री का एक छोटा सा पार्ट है। इस तरीके से आप देख सकते हो, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, एक इंटरेस्टिंग पार्ट आपको दिख रहा होगा कि लाइट भी है, मिडिल शेड भी है, डार्क शेड भी है, इससे पूरी एक डेप्थ, एक बंच वाला फील आ रहा है ना ट्री में, मतलब एक पूरा डेप्थ क्रिएट हो रही है। तो ये था नेचुरल कलर्स में ट्री, और पेपर के जो ग्रेन्स दिख रहे हैं उससे ट्री का और ब्यूटीफुल पार्ट निकल के आ रहा है। ओके, तो ये पेपर है, ये मैंने आपको बता भी दिया है कि चित्रपट पेपर है 270 GSM। तो इसमें जो मैंने कलर यूज़ किए मैंने आपको बता दिए, सबसे पहले जो कलर था गैम्बोज यू, सेकंड सैब ग्रीन, सॉरी सेकंड लाइट ग्रीन, ओके मैंने बोला था सैब ग्रीन एंड गैम्बोज यू की हेल्प से हम लाइट ग्रीन को बना सकते हैं। थर्ड कलर मैंने सैब ग्रीन यूज़ किया, और डार्क करने के लिए मैंने सैब ग्रीन विथ अल्ट्रा मरीन ब्लू। इफ़ यू डोंट हैव अल्ट्रा मरीन ब्लू यू कैन यूज़ पर्शियन ब्लू या कोबाल्ट ब्लू। ओके, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं कि मैंने जो बोला है कलर शेड वो होगा तभी बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसका अल्टरनेटिव कोई भी दूसरा शेड आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, खासकर वाटर कलर पेंटिंग में। तो ये था नेचुरल कलर में ट्री, और अभी यहाँ साइड में मैं एक ट्री और बना रहा हूँ जिसमें मैं डिफरेंट अननेचुरल कलर्स यूज़ करूँगा, जिसके लिए मैं गैम्बोज यू लूँगा, स्कारलेट रेड, एंड डार्क करने के लिए थोड़ा पर्पल शेड मैं यूज़ करूँगा। देखते हैं क्या इफेक्ट निकल के आता है, उम्मीद करता हूँ ये तो आपको अच्छा लगा ही होगा। तो अभी मैं सेकेंड ट्री बनाता हूँ, थोड़ा दूसरा शेप ले लूँगा उसमें, सेम इस तरीके शेप नहीं रखूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ इंटरेस्टिंग तो लग ही रहा होगा, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर बिना सिर्फ देख करके काम चलाए ना वो भी मतलब नहीं है, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा ट्री को। एक मैंने शेप ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, तो वही सिंपल था। कलर्स मैं लेता हूँ गैम्बोज यू, सेकंड कलर स्कारलेट रेड। मैं कलर्स का मेंशन कर दूंगा जब मैं एडिटिंग करूंगा, तो मैं कलर्स का जरूर मेंशन कर दूंगा, क्योंकि तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, तो जो इंग्लिश में थोड़ा उनको जो थोड़ा सा, तो उनके लिए सबटाइटल मैं ऐड कर दूंगा। ओके, तो वही सेम टेक्निक गैम्बोज यू। ओके, ये थोड़ा डिफरेंट ट्री लगेगा साइड वाले ट्री से, इस तरीके से आप देख सकते हो। और देखो जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे मेरे हाथ का मूवमेंट है, आप इस चीज़ को देखो मैं कैसे स्ट्रोक चलाता हूँ, किस तरीके से ब्रश चला रहा हूँ। ऐसा नहीं, देखो एक चीज़ मैं आप सबको क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि चाइनीज़ ब्रश होगा तभी आपसे ट्री बनेगा, आप नॉर्मल कोई भी सिंथेटिक हेयर का राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिन लोगों को वाटर कलर सीखना है, मैंने पहले बताया हुआ है कि मेरे ऑनलाइन होती हैं क्लासेस, और अभी मेरा नया बैच स्टार्ट हुआ कुछ ही दिन में, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख सकते हो अगर आपको लगता है ज्वाइन करना है, लगता है कि मैं सिखा पा रहा हूँ, अगर आप समझ में आ रही है मेरी क्लासेस तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 9559480989 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इंस्टाग्राम पर भी मेरा चैनल है, मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग में वीडियो के, उसका भी मैं आपको यूज़र नेम बता देता हूँ, सैंकी आर्ट करके है, SHNKYART। अभी सेकंड जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है स्कारलेट रेड, अभी देखना कितना बढ़िया फील आएगा, मतलब ऐसा एक फील ट्री में बहुत ही अच्छा इफेक्ट क्रिएट करता है। थोड़ा दूसरी स्टाइल में थोड़ा हल्का रफ स्ट्रोक्स में कर रहा हूँ काम, उसमें थोड़ा सा मैंने डिफरेंट स्ट्रोक, इसमें पानी थोड़ा सा कम है स्टार्टिंग में, बाद में देखो दोनों स्टाइल अलग है ना ट्री के। ऐसा लग रहा है मैंने स्पीड में किया हो काम इसमें। थोड़ा डार्क करने के लिए क्या कर सकते हो, थोड़ा पर्पल शेड बना सकते हो जिस अल्ट्रा मरीन ब्लू विथ क्रिम्सन रेड की हेल्प से, अल्ट्रा मरीन ब्लू विथ क्रिम्सन रेड। इसमें भी इस तरीके से आप
थोड़ा और मैं शेड ले रहा हूँ। इसका भी देखो अपना ही फील है, इस ट्री का भी अपना ही एक फील है, अच्छा लग रहा है देखने में। वैसे आप दोनों ही ट्राई कीजिएगा, कलर स्कीम अच्छी है। आप इस तरीके से देख सकते हो। ट्राई जरूर कीजिएगा ट्री को, देखो दोनों का ही अपना अपना एक इफेक्ट समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। दोनों ही लोग कितना बढ़िया लग रहा है फील। इसमें हल्का ट्री ट्रंक थोड़ा सा, तो एक नेचुरल ट्री हो गया एक अननेचुरल ट्री। तो दोनों में कलर स्कीम आप लोग को समझ में आ रही है। एक में मैंने डिफरेंट थोड़ा ग्रीन के शेड में किया है, इसमें थोड़ा सा मैंने अननेचुरल शेड में किया है। दोनों ही अपनी जगह अच्छे हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है आप दोनों ट्री ट्राई कर सकते हो, एक ट्री जो भी आपके जैसा टाइम है आपके हिसाब से। और मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग जरूर कीजिएगा, मैंने आपको अपने चैनल के बारे में बताई दिया है, जो मेरा पेज है इंस्टाग्राम पर सैंकी आर्ट करके, उसमें आप मुझे टैग कर सकते हो। और जैसा भी आपको ये वीडियो लगी हो उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और कमेंट से ज़्यादा मैं बोलूँगा ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए वीडियो है। एकदम फ्री होकर बनाओ, कोई टेंशन नहीं कि ऐसा नहीं कुछ खराब हो जाएगा। जैसा आप कर सकते हो आप वैसा बनाओ, दोनों इफेक्ट देख सकते हो, दोनों ही मुझे ब्यूटीफुल लग रहे हैं। बाकी जैसा आपको लगे आप बिल्कुल बताइएगा। और ऐसे ही मैं अभी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँगा कुछ वाटर कलर की ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के बारे में, जिसमें आप लोग को परेशानियाँ लगती है कि या उसमें कैसे काम होगा या इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, ट्राई जरूर कीजिएगा। और कलर्स के बारे में अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगा चीज़ें, जैसा भी लगाओ प्लीज़ सभी लोग बताइए कमेंट करके। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसे ही आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच सभी को जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी है, ओके। और जिन लोगों ने आधी भी देखी उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले किसी ट्यूटोरियल में। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, थैंक यू।